हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हमारे जितने भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी उनके पेरेंट्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने किसी कंट्री में जाने का प्लान बना लिया है, आपको स्टडी करनी है और आप सोचते हो कि एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा पर जाकर हम बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाएँ ताकि हमारे खर्चे निकल जाएँ और हमें ज़्यादा पेरेंट्स से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े स्टडी के टाइम पर, तो बहुत ही सारी कंट्री आप सोचते होगे जाने के लिए, यूके, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूजीलैंड, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंट्रीज़ में आप ज़्यादा पैसे एज ए स्टूडेंट नहीं कमा सकते। बट अगर आज मेरी बात मानोगे, फ्रांस को आप चूज़ करोगे, तो फ्रांस में ज़्यादा यूरो कमाने का मौका मिलता है एज ए स्टूडेंट। और इस वीडियो को मैं फ्रांस में ही बना रहा हूँ और पेरिस में इस टाइम में खड़ा हूँ, और अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे एक बहुत ही फेमस आर्क द ट्रियम्फ करके एक मॉन्यूमेंट है जो आपने वीडियोस में एंड पिक्चर्स में देखा होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं उसके सामने खड़े होकर ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, अगर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा लाइट में लाकर दिखाता हूँ। तो फ्रांस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम, और मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में बताता हूँ, आपको विज़िट करता रहता हूँ, तो जिससे मुझे बहुत नॉलेज होती है, तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट अगर आपको पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना, तो आप फ्रांस को चूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रांस में अगर आप पढ़ाई करते हो तो एज ए स्टूडेंट कितने घंटे काम करने का मौका मिलता है आपको, एंड साथ में कितने पैसे, कितने यूरोस आप कमा सकते हो, एंड कैसे आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि जॉब मिलना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं आपको आगे वीडियो में जब बताऊँगा तब आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में फ्रांस इस टाइम बेस्ट कंट्री है आपके लिए, और सारी चीज़ें बताऊंगा तो उसके बाद आपको खुद भी मोटिवेशन मिलेगा एंड आपका भी मन करेगा कि यस, यू हैव टू कम टू फ्रांस। सो अब आप हमें इंस्टाग्राम पर प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, हमारा आप देख सकते हो स्क्रीन पर, तो आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस पिक्चर्स मिलेंगी ताकि आपको उससे मोटिवेशन मिले। तो अगर आपको फ्रांस में एडमिशन लेना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको वीज़ा दिला सकते हैं, आपको घर दिलाने में मदद कर सकते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी मदद कर सकते हैं, एंड आपकी जो ट्यूशन फीस है वो भी हम कह सकते हो कि बहुत कम उसमें करा सकते हैं, बिकॉज़ हमें पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन सही रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, एंड मैं खुद फ्रांस में भी हूँ और बहुत सारी कंट्रीज़ में यूरोप में रहता हूँ, तो आप ट्रस्ट उससे ज़्यादा बिल्ड हो सकता है। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कर्स की, लेबर्स की शॉर्टेज है। कहने का मतलब यह है कि फ्रांस में जॉब्स तो बहुत सारी हैं, बट उनको करने के लिए इनके पास लोग नहीं हैं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी भारत के लोग हैं जो स्टडी करना चाहते हैं, उनको इससे समझ में आना चाहिए कि आपको उसी कंट्री में जाना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा आपके लिए डिमांड है, यानी कि जॉब्स बहुत हैं, उनके पास लोग नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, जब आप जाओगे तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान होगा। और यही मेरा मकसद है इस बात को समझाने का आपको, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। तो अगर इस चीज़ को आप मानोगे तो आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आज के टाइम में कितने वर्किंग आवर्स आपको मिलते हैं एज ए स्टूडेंट अगर आप फ्रांस में आते हो। तो फ्रांस का रूल ये कहता है कि जो भी कोई स्टूडेंट आता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसको यहाँ पर काम करने के लिए 964 आवर्स का टाइम मिलता है एक साल में, यानी कि 964 घंटे आपको मिलेंगे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक साल के लिए। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकूं तो सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि आपको 20 आवर्स काम करने का मौका मिलेगा फ्रांस में एज अ स्टूडेंट। और ये 964 आवर्स जो हैं, 20 आवर्स इन अ वीक, ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप अच्छे पैसे भी कमा लेते हो और अपनी स्टडी पर भी कॉन्सेंट्रेट करते हो, बिकॉज आपको अल्टीमेटली डिग्री भी चाहिए होती है, तो बैलेंस बना रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉन्सेप्ट है 20 आवर्स पर वीक का। तो उन्होंने 964 आवर्स रखा हुआ है, जो आप इंटरनेट पर भी पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। तो ये अच्छा आपके पास आवर्स हैं पढ़ाई करके पैसे कमाने के लिए, तो जो वर्किंग आवर्स मैंने आपको बताए हैं उसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने यूरोस पर आवर के आप अर्न कर सकते हो, पर मंथ आप अर्न कर सकते हो एज ए स्टूडेंट अगर आप
फ्रांस में पार्ट टाइम जॉब करते हो, एंड ट्रस्ट मी उसको सुनने के बाद आपको भी जोश आएगा कि यार वाकई में इतने पैसे मिल सकते हैं हमें, तो हमें तो फिर किसी दूसरी कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज के टाइम में फ्रांस में सबसे अच्छी बात यह कि फ्रांस ने एक काम अच्छा किया है कि वहाँ पर एक मिनिमम वेज पर आवर फिक्स की हुई है फ्रांस की सरकार ने, और वो जो वेज पर आवर है वो है 11 यूरो 65 सेंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट आप 12 यूरो समझ सकते हो। तो आप खुद समझो कि पर आवर के 11 यूरो 65 सेंट्स आपको मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे एक अमाउंट है। एंड अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें एक महीने में जितने भी आप वर्किंग आवर्स करोगे, तो जितने भी स्टूडेंट्स को हम भेजते हैं फ्रांस में, उनका सबका कहना ये है कि 800 यूरो आप आराम से कमा लेते हो। 800 यूरो अगर आप आराम से कमा लेते हो तो कितना अच्छा आपका अमाउंट है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता होता कि जर्मनी फ्रांस की सरकार ने एक काम किया हुआ है कि वहाँ पे 615 यूरो उन्होंने कहा है कि आपके पास हर महीने होने चाहिए। तो आप खुद सोचो कि 615 यूरो तो फ्रांस खुद से कह रहा है और 800 यूरो आप कमा रहे हो, तो आप सोचो कि 615 यूरो में से 800 में से 615 यूरो गए तो 100 कह सकते हो कि 100 कितने बचे, 175 यूरो बचे आपके। तो आप खुद सोचो कि इतना पैसा अपने एक्सपेंस पूरे करने के बाद ही पैसा बच रहा है आपके पास, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। अगर किसी दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको इतने यूरोस कमाने का मौका नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा, ना तो आपकी फ़ी आपका जो रहने का खर्चा पूरा हो पाएगा, ना सेविंग हो पाएगी, ना आपकी फ़ीस का खर्चा पूरा हो पाएगा। तो ये सारी बातें मैं डिटेल्स में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको लॉजिकली समझ में आए कि वाकई में इतनी अच्छी अर्निंग होगी फ्रांस में एज अ पार्ट टाइम, तो आपको अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पेरेंट्स भी बेचारे परेशान नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा बहुत ही बढ़िया मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप खुद सोच सकते हो कि कितना अच्छा है फ्रांस में आकर अगर आप पढ़ाई करते हो। तो ये जितने भी मैंने कैलकुलेशन बताई है इसका आपको ध्यान रखना है, और अच्छे यूरोज अर्न करोगे तो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको जॉब मिल सकती है फ्रांस में अगर आप एज अ स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो। तो हम जितने भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। जॉब मिलने का एक सिंपल सा तरीका दो रास्ते होते हैं, यहाँ पर जॉब बहुत ज़्यादा खाली पड़ी होती हैं। एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, रिटेल्स की कंपनी होती हैं, शोरूम्स होते हैं, KFC होता है, डिलीवरी की जॉब होती है, सेल्स की जॉब होती है, मार्केटिंग की जॉब होती है, तो बहुत टाइप की डिफरेंट टाइप की जॉब्स होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली होती है। एंड बहुत सारी कंपनीज चाहती हैं कि आप आएँ अप्रोच करें एंड वो आपको जॉब दे दें, क्योंकि उनको भी बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। तो जॉब्स आपको आराम से मिल जाती है। एंड जो जॉब मिलने के जो दो रास्ते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला रास्ता ये है कि आपको आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले तो आप खुद से भी बहुत सारे जहाँ पर भी आप जाओगे किसी भी सिटी में जाओगे तो बहुत सारे कैफ़ेज़ होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, अमेज़ोन है, तो कहीं पर भी आप खुद से भी जाओगे तो भी आपको अपना CV खुद से भी डाल सकते हो ताकि वो आपको ऑन द स्पॉट जॉब ऑफ़र कर दें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग शर्माते नहीं हैं, तो अगर आप खुद से भी जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। अगर आप खुद से जाना चाहते हो तो खुद से भी जाना चाहिए। आई थिंक यू हैव टू बी वेरी एक्सट्रोवर्ट, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर जिस तरीके से भी आप अप्रोच करोगे उस बहुत अच्छा रहेगा। तो आप प्रैक्टिकली भी जा सकते हो। दूसरा रास्ता ये होता है कि आप ऑनलाइन भी अपना CV डाल सकते हो। जॉब्स गूगल पर डालोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही हैं, तो उससे सबसे आप चाहते हो तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उसमें डाल सकते हो अपना CV, तो किसी उस हिसाब से जिस भी कंपनी में आप डालोगे वहाँ से आपको कॉल आएगी, मैसेज आएगा, नंबर आपका होगा, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर आपकी जॉब शुरू हो सकती है। सो आई थिंक जॉब मिलना बहुत बहुत आसान है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। दोनों रास्ते मैंने बता दिए। अगर आपको जाना तो आप खुद से भी जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो पर्सनली जाकर, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ये जॉब पाने का बहुत इजी तरीका है, एंड हम भी एक्सपर्ट हैं तो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप हमें अप्रोच करोगे। तो ये था जॉब पाने का तरीका जिसको मैंने आपको बताया, तो इसको आपको फॉलो करना है। सो कीप इन माइंड। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सबको समझा दिया है। तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए ये बात सुनने के बाद, फ्रांस को आप चूज़ कीजिए, क्योंकि फ्रांस एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखोगे तो फ्रांस को हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होगे, सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि जब आप किसी बाहर कंट्री में जाओगे, UK कनाडा में जाते हो, तो वहाँ पर पैसे कम मिलते हैं, तो अपने पेरेंट्स से आपको मंगाने पड़ते हैं, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि आपको भेज दिया है, फ़ीस पर ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम इशू तो बनी जाता है ना चाहते हुए भी। तो कहने का मतलब यह है कि आप अब समझ गए हो, तो
तो आप फ्रांस को चूज़ कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप खुद से एडमिशन नहीं कर सकते, जॉब मिलने में दिक्कत है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी, आपको समझाएगी, एंड आपका एडमिशन में, घर दिलाने में, वीज़ा के लिए, जॉब के लिए, सब चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी। तो बस कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।